भारत ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज में आज चौथा मैच चल रहा है और भारत 174 रन के लक्ष्य पर सिमट गया है। 9 विकेट पर 20 ओवर में केवल 174 रन ही बना पाया भारत। भारत ने शुरुआत अच्छी की थी इस T20 सीरीज की, जिस तरह से लगातार 2 मैच जीते थे। तीसरे मैच में भी संघर्ष तो खूब किया था, लेकिन भारत हार गया था क्योंकि सामने ग्लेन मैक्सवेल का तूफान आ गया था, और शायद यही कारण है कि भारत 222 रन का एक विशाल लक्ष्य होने के बाद भी हार गया था। अब आज भारत केवल 174 रन बना पाया है। उसमें सबसे कमी देखी जाए तो सबसे ज्यादा शुरुआत में ही, शुरुआत बिल्कुल धीमी रही। पहला ही ओवर मैडन निकला था तो आप समझ सकते कि यशस्वी जायसवाल ने शुरू की 6 बोले ही मैडन निकाल दी थी, तो आप समझिए कि कैसी शुरुआत रही है। हालांकि मैदान बड़ा है, ऑस्ट्रेलिया के लिए भी आसान नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ ने ओपनर काफी अच्छा चले, जहां यशस्वी जायसवाल ने 4 चौके 6 लगाए और छक्का 1 लगाया, तो 28 बोलों पर 37 रन बनाए। वहीं ऋतुराज गायकवाड़ ने भी 28 बोलों पर 32 रन बनाए, 3 चौके 1 छक्का लगाया। वहीं बात करें आज पहली बार खेल रहे T20 सीरीज में श्रेयस अय्यर कुछ खास नहीं कर पाए और वो मात्र 8 रन बना पाए 7 बोलों पर। और सूर्य कुमार यादव कप्तान लगातार फ्लॉप होते जा रहे, जिस तरह से वह पिछले मैच में भी नहीं चल पाए और आज भी कुछ खास नहीं कर पाए, केवल 1 रन बनाकर दूसरी बॉल पर ही आउट हो गए। वहीं रिंकू सिंह, जो कि ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने अपने हाथ जरूर खोले थोड़े बहुत, और उन्होंने 29 बॉलों पर 46 रन बनाए, 4 चौके और 2 छक्के भी दिखाए। वहीं आज डेब्यू कर रहे जितेश शर्मा ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। उनसे शायद किसी को इतनी उम्मीदें नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने मात्र 19 बॉलों पर 35 रन बनाए, 1 चौका और 3 छक्के लगाए। और उसके बाद भारत की पारी गिरती गिरती गिर गई और 9 विकेट हो गए। आप समझिए कि 174 रन पर 9 आउट हो गए भारत के 20 ओवर में। अब बॉलरों पर दारोमदार होगा कि आखिरकार वो कैसी बॉलिंग कर पाते हैं, और उसके बाद ही शायद भारत अगर यह मैच जीतता तो सीरीज अपने नाम करेगा, वरना ऑस्ट्रेलिया से यह 5 मैचों की सीरीज में भारत 2-2 की बराबरी पर आ जाएगा, और फिर अगला 5वां मैच होगा जो वो फाइनल होगा, और उसी में तय होगा कि आखिरकार यह सीरीज कौन जीतेगा। लेकिन इतना तो तय है कि ऑस्ट्रेलिया के लिए भी यहाँ पर रन बनाना आसान नहीं होगा, क्योंकि पिच काफी स्लो है, और जिस तरह से भारतीय इतने बड़े बड़े बल्लेबाज थे वो रन बनाने में मुश्किलों का सामना कर रहे थे, तो शायद अब ऑस्ट्रेलिया के लिए भी वही मुश्किलें खड़ी होने वाली है। और देखना होगा कि क्या ऑस्ट्रेलिया ऐसी ही ओपनिंग कर पाता है जैसी भारत ने की, क्योंकि भारत ने रन रेट कम जरूर रही थी क्योंकि पावर प्ले में मात्र 50 रन आए थे, और यह पहली बार तो हुआ नहीं, उससे पहले भी एक बार 43 रन आए थे, लेकिन उस दिन ऋतुराज गायकवाड़ चल गया था। और अब देखना होगा कि आखिरकार क्या भारतीय गेंदबाजी कमाल कर दिखाती है, क्योंकि अब तक भारतीय गेंदबाजी खास रही नहीं है। जैसे कि हम पिछले मैच में ही देखे तो 222 रन बनाए थे भारतीय बल्लेबाजों ने अपना काम कर दिया था ऋतुराज गायकवाड़ के दम पर, लेकिन आज बल्लेबाजों की तो परीक्षा हुई थी, उसमें सूर्य कुमार यादव, श्रेयस अय्यर ये सब फेल हो गए। लेकिन अब देखना होगा कि आखिरकार गेंदबाज कितना दमखम दिखा पाते हैं और ऑस्ट्रेलिया को कहां तक रोक पाते हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है कि इस सीरीज में भारत 2-1 से आगे है, अब क्या 3-1 से सीरीज अपने नाम कर लेगा, या फिर अब 2-2 की बराबरी पर भारत आके खड़ा हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की।